हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है हिरुडिनेरिया यानी लीच में नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंपल और इजी है। इसमें इसे तीन भागों में बांटा जा सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, हम शुरू करते हैं। यहाँ फिफ्थ जो सेगमेंट है, इसके फिफ्थ सेगमेंट में फेरिंग्स के ऊपर की साइड में गैंग्लिया पाए जाते हैं। वो क्या कहलाता है? सेरिब्रल गैंग्लिया, यानी एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया है जो पांचवें खंड में फेरिंग्स के पृष्ठ सतह पर है, डॉर्सल साइड में है, और इन दोनों के संयुक्त होने से इस संरचना को ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन। तो ये ब्रेन कहां पर उपस्थित है? पांचवें खंड में फेरिंग्स के डॉर्सल साइड में। पहला पार्ट हमें ये बताना है, उसके बाद हम बताएंगे सेकंड जो आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पार्ट, वो है सिक्स्थ सेगमेंट में। सिक्स्थ सेगमेंट में ट्रायंगल शेप का है सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास, यानी ये फेरिंग्स के अदर सतह पर है। कौन से खंड में? छठे खंड में। पांचवें खंड में तो ये डॉर्सल साइड में था, लेकिन छठे खंड में कहां पर है? छठे खंड में फेरिंग्स के नीचे की साइड में है। तो सब फेरेंजियल और गैंग्लियोनिक मास यानी कुछ गैंग्लिया के समूह से मिलकर बना है। ये भ्रूण के चार जो खंड हैं, उन चार गैंग्लिया के समूह से मिलकर बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? गैंग्लियोनिक मास। तो ये है सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास। इन दोनों को कनेक्ट करती है, यानी ब्रेन को जो डॉर्सल साइड में है और सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास को कनेक्ट किया जाता है किसके द्वारा? पेरी फेरेंजियल कनेक्टिव, यानी ये ब्रेन के दोनों साइड से, दोनों पार्श्व से एक मोटी तंत्रिका निकलती है। तंत्रिका निकल करके जो है वेंट्रल साइड में जाकर के किससे कनेक्ट हो जाती है? सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से। तो इस तरह से ये पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव जो है, ये एक रिंग के जैसी संरचना बना लेती है, नर्व रिंग, जो डॉर्सल साइड के सेरिब्रल गैंग्लिया को वेंट्रल साइड के सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये कहलाती है पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव। ये है सिक्स सेगमेंट में सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास। अब हम आते हैं इसके बाद में। इसके बाद में यहां से निकलता है नर्व कॉर्ड। हमें पता है जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उसमें नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होता है, तो यहां पूरे वेंट्रल में, मिड वेंट्रल में क्या है? नर्व कॉर्ड उपस्थित है। नर्व कॉर्ड जो है, ये दो तंत्रिकाएं साथ में चल रही हैं, लेकिन दिखने में क्या लगता है कि एक ही तंत्रिका चल रही है, ठीक है। और हर सेगमेंट में फिर क्या पाया जाता है? सेगमेंटल गैंग्लिया। प्रत्येक सेगमेंट में एक सेगमेंटल गैंग्लिया होता है जो फर्स्ट एनुलाई है, फर्स्ट वलय जो है सेगमेंट की, उस फर्स्ट वलय में ये सेगमेंटल गैंग्लिया पाया जाता है। तो यहां से छह के बाद में हमें क्या बताना है? वेंट्रल नर्व कॉर्ड के बारे में। और प्रत्येक सेगमेंट में क्या पाया जाता है? सेगमेंटल गैंग्लिया जो फर्स्ट एनुलाई के उसमें उपस्थित है, ठीक है। इस तरह से ये सेगमेंटल गैंग्लिया कहां तक जाएंगे? 25th तक गए। 26th में फिर पाया जाता है टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास, अंतस्थ गैंग्लियोनिक मास, जो कहां, जिसमें यहां वापस मास शब्द आया है। मास यानी ये भी क्या है? कई गैंग्लिया के संयोजन से बना है। तो ये कितने गैंग्लिया के संयोजन से बना है? 27 से लेकर के 33 तक क्या पाया जाता है? पोस्टीरियर सकर। तो वहां के जो सात खंड हैं, उन सात खंडों के भ्रूणीय गैंग्लिया के संयुक्त होने से बना है टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास, जो पाया जाता है 26वें खंड में, ठीक है। तो इस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमें क्या क्या मेंशन करना है? फिफ्थ सेगमेंट में ब्रेन, सिक्स सेगमेंट में वेंट्रल साइड में सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास। ब्रेन एंड गैंग्लियोनिक मास आर कनेक्टेड बाय पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव। पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव एक रिंग के जैसी संरचना बना लेती है, नर्व रिंग। उसके बाद सिक्स के बाद में वेंट्रल नर्व कॉर्ड। वेंट्रल नर्व कॉर्ड में दो नर्व साथ साथ चल रही हैं, पर एक दिखती है,
और हर सेगमेंट में सेगमेंटल गैंग्लिया है जो प्रत्येक सेगमेंट के फर्स्ट एनुलाई में उपस्थित है। और 26th में पाया जाता है टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास जो 7 भ्रूणीय गैंग्लिया के संयोजन से मिलकर बना है। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यहाँ आप देख रहे हो डबल बाउंड्री बनाई है, यानी इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, वो मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, न्यूरोलेमिला। क्या कहलाती है, न्यूरोलेमिला। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकल करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जा रही हैं, वो बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम यहां भी स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रेन वाले भाग से, यानी सेरिब्रल गेंग्लिया वाले भाग से। सेरिब्रल गेंग्लिया से एक जोड़ी क्या निकलती है, ऑप्टिक नर्व। हमें पता है कि लीच के अंदर 5 जोड़ी आंखें पाई जाती हैं, जो फर्स्ट 5 सेगमेंट में डॉर्सो लेटरल साइड में उपस्थित है। तो ब्रेन से यानी सेरिब्रल गेंग्लिया से एक जोड़ी ऑप्टिक नर्व निकल रही है। तो ये ऑप्टिक नर्व फर्स्ट पेयर ऑफ आई को जाएगी। ये फर्स्ट पेयर ऑफ आई है, इसे अलग कलर से शो किया है, बाकियों को अलग कलर से शो किया है। तो ये जो फर्स्ट पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व है, ये निकल रही है सेरिब्रल गेंग्लिया से, और सेरिब्रल गेंग्लिया से निकलकर फर्स्ट पेयर ऑफ आई में जाएगी। तो ये ऑप्टिक नर्व हो गई, फर्स्ट ऑप्टिक नर्व, और ये फर्स्ट पेयर ऑफ आई। उसके बाद में सीधा हम आते हैं 6 सेगमेंट में। 6 सेगमेंट के वेंट्रल साइड में क्या है, सबफेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास। तो यहां से जैसे मैंने बताया था गैंग्लियोनिक मास ये 4 भ्रूणीय गैंग्लिया के संयोजन से बना है। तो यहां से 4 जोड़ी ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं। 4 जोड़ी निकलती हैं, ये 1, 2, 3, 4 जो क्रमशः दूसरे तीसरे चौथे और पांचवी जोड़ी जो आईज है वहां तक जाती है। तो ये अलग कलर से मैंने शो की है, दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी आई में जा रही है ऑप्टिक नर्व, जो कहां से जा रही है, सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से जा रही है। ठीक है, इसके अलावा जो सेरिब्रल वाला भाग है, यहां से जो नर्व निकल रही है, ये प्रोस्टोमियम वाले भाग में जो डॉर्सल साइड में जो पार्ट है वहां पर नर्व पहुंचती है, और यहां सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से इन 4 ऑप्टिक नर्व के अलावा यहां से जो नर्व्स निकल रही हैं, वो प्रोस्टोमियम वाले भाग में, माउथ वाले पार्ट में, लोअर जॉ है या वेंट्रल साइड में जो पार्ट है वहां पर नर्व्स पहुंच रही हैं सब फेरेंजियल गैंग्लियोनिक मास से। फिर हम आते हैं वेंट्रल पार्ट में, हर सेगमेंट में जो सेगमेंटल गैंग्लिया है, हर सेगमेंट में सेगमेंटल गैंग्लिया से एक जोड़ी नर्व निकल रही है जो लेटरल साइड में जा रही है। तो इनमें से एक आगे की साइड में है और एक पीछे की साइड में है, उसी के हिसाब से इसका नाम है एंटीरियर लेटरल नर्व जो आगे वाली जोड़ी है, और पोस्टीरियर लेटरल नर्व जो पीछे वाली साइड में है। अब हम लेते हैं एंटीरियर लेटरल नर्व कहां कहां जा रही है। एंटीरियर लेटरल नर्व जो है ये वेंट्रल साइड में जो पार्ट है, वेंट्रल साइड में जो पार्ट है वहां तक पहुंच रही है। जैसे वेंट्रल साइड में नेफ्रिडिया है, छठे खंड से लेकर 22वें खंड तक एक जोड़ी नेफ्रिडिया कहां पाए जाते हैं, वेंट्रोलेटरल साइड में। तो नेफ्रिडिया है, वास डिफरेंस है जो वेंट्रोलेटरल साइड में है, बॉडी वॉल की जो मसल्स है वहां पर, यहां वेंट्रल साइड में जो सेंसरी सेगमेंटल रिसेप्टर्स है उनमें, और केवल 2 डॉर्सल, केवल ये 2 है जो डॉर्सल साइड में सेंसरी रिसेप्टर है यहां जा रही है, बाकी ये जितने भी पार्ट है ये कहां पर है, वेंट्रल साइड में। तो एंटीरियर लेटरल नर्व जो है ये यहां से सेगमेंट से निकल करके वेंट्रल साइड में जा करके और वहां पर जो ऑर्गन्स है वहां जा रही है, नेफ्रिडिया में, वास डिफरेंस में, बॉडी वॉल की मसल्स में, वेंट्रल सेगमेंटल रिसेप्टर्स में, और 2 डॉर्सल सेंसरी सेगमेंटल रिसेप्टर में। पोस्टीरियर लेटरल नर्व जो है ये डॉर्सल साइड में जाएगी, और डॉर्सल साइड में जो विजरल ऑर्गन्स हैं और डॉर्सल साइड में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वहां तक पहुंच रही है। तो पोस्टीरियर लेटरल नर्व जो है ये विजरल ऑर्गन्स को जा रही है जो डॉर्सल साइड में है, डॉर्सल बॉडी वॉल को जा रही है, डॉर्सल सेंसरी रिसेप्टर्स जो पर सेगमेंट कितने हैं, पर सेगमेंट 4 जोड़ी है, और एनुलर रिसेप्टर्स डॉर्सल साइड में कितने हैं, 16 है हर एनुलाई में।
तो वहां पर और टेस्टिस सैक में जा रही है पोस्टीरियर लेटरल नर्व्स। अब हम आते हैं अंत का जो है टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास। टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास से जो नर्व निकलती है वो कहां पर जा रही है, पोस्टीरियर सक्कर में जा रही है। जो पोस्टीरियर सक्कर का जो फंक्शन है या जो सेंसेस है वो जो है इनके द्वारा पहुंचाई जाती है नर्व्स के द्वारा जो टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास से निकल रही है। तो इस तरह से हमने ये क्या बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब लास्ट आता है इसका सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम। सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम में सिस्टमैटिक नर्वस सिस्टम कहां प्रेजेंट है, एनिमल के सेंटर में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है मिड में, तो ये हमने बना दिया मान लो एलिमेंट्री कैनाल। और बाहर की तरफ क्या है, बॉडी वॉल। बाहर की तरफ क्या है, ये बॉडी वॉल है, ठीक है। तो बॉडी वॉल के मस्कुलर लेयर, बॉडी वॉल का जो मस्कुलर लेयर है वहां पर एक नर्व जाल पाया जाता है, नर्व नेट। बॉडी वॉल हमें पता है बॉडी वॉल में क्या होता है, एक क्यूटिकल होता है, फिर उसके बाद में सिंगल लेयर की एपिडर्मिस सेल्स होती हैं, स्तंभीय कोशिकाएं, उसके बाद में डर्मिस स्पॉन्जी लेयर है, फिर मस्कुलर लेयर है। तो मस्कुलर लेयर में ये पूरा जो है एक नर्व का जाल है, और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ एक नर्व का जाल है इस तरह से। तो पूरी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के बाहर की तरफ एक पूरा नर्व का जाल बना हुआ है, और बॉडी वॉल में जो मस्कुलर लेयर है उसमें एक नर्व का जाल बना हुआ है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सिस्टमिक नर्वस सिस्टम। अब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होने चाहिए, तो ये कहां से कनेक्ट है, इसका एक सिरा पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव से जुड़ा होता है। और इसका दूसरा सिरा हर गैंग्लिया में जो बहुध्रुवीय नर्व्स हैं उनसे, यानी पॉलीहेड्रल जो नर्व्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ये बनाता है सिस्टमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है लीच का नर्वस सिस्टम, जिसमें हम पहले डिस्क्राइब करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाद इनसे निकलने वाली नर्व्स यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और अंत में हम बताएंगे सिस्टमिक नर्वस सिस्टम। सेंसरी ऑर्गन का जो पार्ट है इसका वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।